Hello friends, welcome back to my YouTube channel that is Savvy Forensics. So friends, आज हम trace evidences में नया topic start करने वाले हैं. हमने soil और paint का detail अच्छे से देख लिया है. अगर आपने वाले videos नहीं देखे हैं तो उसका description में मैं link दे दूँगी, वहाँ से आप वाले videos देख लीजिएगा, ठीक है. तो आज हम जो नया topic start करने वाले हैं तो उसका नाम है cement. So cement भी एक corroboratory evidence ही है. सो कोरोबोरेटरी एविडेंस क्या होता है वो भी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ. सो कोरोबोरेटरी एविडेंस मतलब किसी भी एविडेंस को सपोर्ट करना. मतलब अगर हम सिर्फ सीमेंट के बेसिस पर कोई रिजल्ट देंगे तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं होगी, लेकिन अगर मान लीजिए कोई अदर एविडेंस है लाइक ब्लड या कुछ और, तो उसको सपोर्ट करने के लिए हम इन एविडेंसेस को यूज़ कर सकते हैं. तो जितने भी ज़्यादातर ट्रेस एविडेंसेस होते हैं जनरली उनको हम कोरोबोरेटरी एविडेंस ही कहते हैं, ठीक है. तो चलिए हम देख लेते हैं सबसे पहले कि सीमेंट होता क्या है, क्योंकि किसी भी चीज़ को फॉरेंसिक साइंस में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वो एक जो भी है तो वो होता क्या है, ठीक है. सो फर्स्टली सीमेंट इज़ अ बाइंडर विच इज़ यूज फॉर कंस्ट्रक्शन टू बाइंड ब्रिक्स और स्टोन्स टुगेदर. सो बेसिकली जो सीमेंट होता है वो एक बाइंडर के फॉर्म में यूज़ होता है, जिसका यूज़ जनरली कंस्ट्रक्शन साइट में किया जाता है. मतलब कोई भी बिल्डिंग है या कुछ भी हाउस वगैरह बन रहा है तो उसमें जो है सीमेंट का यूज़ होता है, ठीक है. देन इट इज़ अ फाइन सॉफ्ट पाउडरी सब्सटेंस यूज्ड जनरली इन कंस्ट्रक्शन. सो ये जो है एक वाइट मतलब ग्रे कलर का सॉफ्ट पाउडरी सब्सटेंस होता है, जिसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फाइन होते हैं, ठीक है. देन कॉमनली इट इज़ अ ग्रे पाउडर. ये जनरली ग्रे पाउडर होता है और जिसमें जब हम पानी मिक्स करते हैं और उसको सुखाते हैं तब वो हार्ड सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है. तो इसीलिए कंस्ट्रक्शन में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है. देन ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट है. तो इसमें जब हम सीमेंट वाटर और सैंड को ऐड करते हैं तो वो बनता है सीमेंट प्लास्टर, एंड जब हम सीमेंट वाटर सैंड और लाइम को ऐड करते हैं तब वो बनता है मॉर्टर, ठीक है. तो लाइम क्या होता है, लाइम तो आपको पता ही होगा, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO, ठीक है. सो बेसिकली ये जो मैंने इसलिए बताया है, ये दोनों ही जो टर्म हैं ये नेट के पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि ये जो मॉर्टर है या सीमेंट प्लास्टर है तो हो सकता है कि इसका कॉम्पोजिशन जो है नेट के एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए, ठीक है. तो ये दोनों ही टर्म आप बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा. तो अभी हम नेक्स्ट आ जाते हैं. तो जो मॉडर्न पोर्टलैंड सीमेंट है सो उसके इन्वेंटर जो होते हैं, तो उसके जो इन्वेंटर है वो भी नेट में बहुत ही ज़्यादा पूछे जा सकते हैं. सो इसलिए ये टर्म भी आपको याद रखना है. ये साइंटिस्ट का नाम है विलियम एस्पिडेन, ठीक है. तो ये भी हो सकता है कि नेट के एग्ज़ाम में पूछा जाए कि मॉडर्न पोर्टलैंड सीमेंट के इन्वेंटर कौन है, तो वो हैं विलियम एस्पिडेन, ठीक है. तो यहाँ पर सीमेंट के जितना बेसिक्स आपको पता होना चाहिए फॉरेंसिक साइंस के स्टूडेंट को, वो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कर लिया है. और अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कुछ आप इसमें एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई ज़रूर दे दूँगी. और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक्डइन एंड ब्लॉग पे. और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरी सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.